देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत होने का इंतजार कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका की कॉपी को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाए, वहीं फैसला होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम कहा गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए। अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए। देश को मूल और प्रामाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्य युग में तब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वो स का उच्चारण ह करते थे और इस सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडस वैसे ही यानी सिंधु घाटी के आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया, क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहना उनके लिए असुविधाजनक था। तभी से भारत इंडिया हो गया। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है कि इंडिया यानी भारत।